हम जाना बनाने जा रहे हैं बिल्कुल ही डिफरेंट कीमा। ये है कीमा। कीमे में आपने बहुत चीज़ें खाई होंगी, भिंडी खाई होगी, अरबी खाई होगी, बहुत हो सकता है बीन्स खाई हो, लेकिन फिर भी आज एकदम डिफरेंट हम आपको स्टाइल बता रहे हैं कीमे में। बीन्स, ये हमारी बीन्स, और बहुत ही इजी और बहुत ही करना टेस्टी। है चॉपर उठा लेना है, चॉपर में डाल देना है प्याज और कटे मसाले का, जैसे हम चीज़ें डालते हैं ना उसी तरह। फिर डाल देना है उसमें हमें लहसुन, लहसुन डालेंगे हम। लहसुन के बाद हम डालेंगे अदरक, क्योंकि ये बीफ का है इसलिए हम अदरक थोड़ी और ज़्यादा डालेंगे। अभी हमने कम डाली, अभी हम और डालें। इस चॉपर इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पेस्ट नहीं डाल बनाना है, हमें इसमें खड़ा मसाला डालना है। फाइनली चॉप। मेरा लाइफ सेविंग थैंक्स, मेरी एक कज़िन है उसने मुझे ये बताया था, तब से ये मेरा लाइफ सेविंग चल रहा है। इसमें हमने डाला है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, और थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। इसी गरम मसाले में हम थोड़ा बहुत इसमें डाल के ग्राइंड कर देंगे, ठीक है। कुकिंग को एकदम सिंपल, और हो तो आप डाल दीजिएगा। तो ये गया मेरे चॉपर में, ये बहुत इजी बन जाएगा। ये देखिए, ये मेरा चॉप्ड हो गया है विद इन सेकेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये बोलते नहीं खड़े मसाले का कीमा, ये वही है एग्जैक्टली एक्चुअली। तो ये मेरा, ये देखिए, देखा। अब इसको हम इस ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में डायरेक्ट डाल के इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। अभी तक मेरा ना ट्राईपॉड सही नहीं हुआ है, बहुत दिक्कत हो रही है एक हाथ से शूट करने में। चलिए हम पहले इसको डाल देते हैं, फिर आपसे आके मिलते हैं। हमने कहा था डार्क ब्राउन हो जाएगी। अब ये अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा गरम मसाला खड़ा वाला, ये ब्राउन हो गया। अब इसमें हम कीमा डाल देंगे। हमने इसमें कीमा डाल दिया है। अब कीमे को भून के इसका जो भी पानी होगा वो सारा जब सोख लेगा, भुन जाएगा ये अच्छे से, तब हम डालेंगे इसमें ये मसाले। ये मेरा हल्दी, धनिया पिसा जीरा, नमक और लाल मिर्ची, और थोड़ा सा वो जो, और ये जो चॉपर में मेरा प्याज और वो बच गया था उसी में हमने इसको ऐड किया। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट बना लेंगे। जब पेस्ट बना लो ना तो अच्छे से इसमें भुन जाता है, अच्छे से मतलब मिक्स हो जाता है फिर जल्दी। पाउडर डालते होंगे डायरेक्ट, हम भी पाउडर डालते थे लेकिन अब हम पाउडर को पेस्ट बना लेते हैं। थोड़ा सा पेस्ट बना लो, आप खुद देखिएगा तो वो जल्दी डिजोल्व हो जाता है और अच्छा फ्लेवर जल्दी उसके अंदर हो जाता है। मेरी कुकिंग जो है इंस्टेंट वाली ज़्यादा होती है, क्योंकि आजकल लाइफ इतनी बिजी है, लोग इतना बिजी रहते हैं कि कुकिंग अगर हम लोग बहुत वो वाली करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। कभी कभी करते हैं बहुत स्लो कुक वाला, लेकिन ज़्यादातर इंस्टेंट कुकिंग करते हैं, जिससे जो है टाइम सेविंग रहे और बहुत सारे और भी काम होते हैं वो भी करना होते हैं इसलिए। अब इसको हमने पेस्ट बना लिया। अब इसको जब, लेकिन ये भुन जाए, हाथ का कुटा हुआ कीमा है, हम हमेशा हाथ का ही कुटा हुआ कीमा प्रेफर करते हैं, हमें अच्छा लगता है। मशीन पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता, मशीन का खुद लाके मिक्सी में उसको बाद में पीस लेते हैं। अच्छा, ये अभी पानी है, ये पानी जब पूरा ये एब्जॉर्ब कर लेगा हाई फ्लेम लो फ्लेम करके, उसके बाद हम डालेंगे अपने मसाले और देखते हैं कितना मतलब इसमें रहता है ये पानी। टाइम 5-10 मिनट में हो जाएगा। ये देखिए, ये भुन गया, दिख ही नहीं रहा क्या? ये देखिए, ये भुन गया है। अब इसमें तेल आ गया। अब हम इसमें मसाले डालने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। एक हाथ से कुकिंग, एक हाथ से वीडियो, बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइम टू ऐड स्पाइस, गरम मसाले, और अगर इतनी मेहनत करो व्यूज़ नहीं आते बहुत गुस्सा आता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, अब इसमें हमने मसाले डाल दिए, अब इसको भूनेंगे। भून के इसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी तो इसका कलर अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम टमाटोज ऐड करेंगे। कलर नहीं दिख रहा है, बहुत डार्क कलर आ रहा है, पता नहीं क्यों इतना
डार्क कलर आ रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा, बल्कि दो दो लाइट जला रखी हैं तब भी। खैर इसमें टमाटोज ऐड कर देंगे, फाइनली चॉप्ड, नॉट फाइनली चॉप्ड, बस कट किए हैं, छोटे पीसेस लिए थे, दो टमाटर हैं। अब आपके वहाँ का ज़्यादा खट्टा खाया जाता हो तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा, ठीक है। आप कलर दिखा अच्छा है ना, तेल छूट दिया। अब हम इसमें सीटी लगाएंगे प्रेशर कुकर की। तो बन गया मेरा बीन्स कीमा, ये देखिए कितना शानदार बना है। और इसमें थोड़ा सा कैमरा उठा लो, अभी मेरे बेटे साहब इसमें हेल्प कर रहे हैं तो हमें इजी पड़ रहा है। ये बन गया मेरा बीन्स कीमा, ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा बना है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक न्यू रेसिपी के साथ हम फिर आप लोगों से मिलेंगे। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।